हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 केमिस्ट्री पेटलपुर, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लें, रिव्यू क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्रोम, ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इन ओजोन। तो हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन है, ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इन टू ओजोन। तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के सी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट विद मोल रेशियो। मोल रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सटेंड या पावर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इन टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो आपका के सी क्या होगा इस रिएक्शन का, ओजोन, और ये में जो मोल रेशियो है वो आपने प्रोडक्ट हम ऊपर लिखेंगे, मोल रेशियो 2 आ गया, और नीचे जो है हमें रिएक्टेंट लिखना है जो कि ऑक्सीजन है, इसका मोल रेशियो 3 हो गया। तो के सी इज इक्वल टू O3/O2। इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें डिटरमाइन द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के बाद उसका यूनिट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं, एक जो है रिएक्टेड हो या प्रोडक्ट हो, एक का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब को हम प्रोडक्ट के साथ भी लिखेंगे, रिएक्टेंट के साथ भी लिखेंगे, और कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ मोल विल बी इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे 3 मोल है, तो 2 और 3 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1/mol पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब ये इसको जब हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, जाहिर है ये अपॉन करके है, तो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास -1 चार्ज हो जाएगा। अब इस -1 को अगर हम इस पूरे यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो हम पॉजिटिव जो भी हमारे पास यूनिट होता है वो हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव का बाद में लिखते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसीमीटर क्यूब पर मोल आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसका तीसरा पार्ट जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें जो तीसरा पार्ट है इस इक्वेशन का, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लिखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन आपको पता है हमेशा हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट हमारा ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू ओजोन, इट विल बी द कंसीडर द फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, रिएक्टेंट बाद में लिखेंगे, तो इट विल बी द रिवर्स रिएक्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें इन्होंने दिया हुआ, कोल रिएक्ट विद हॉट स्टीम ऑफ टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कोल कार्बन है, वो रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन के साथ, और हम सिखा रहे हैं दी सब्सटेंस रिएक्ट फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव मीथेन एंड वाटर वेपर। और फर्दर ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना रहे, मीथेन गैस बना रहे और वाटर मॉलिक्यूल बना रहे। हमें इसका इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना है, हमें केसी कैलकुलेट करना है और यूनिट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस फॉर्म मीथेन एंड वाटर, ये तो हमारी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो हमारी इक्वेशन है, लेफ्ट टू राइट हम एरो लगाने के बाद लिख देंगे इसी को, तो रिएक्टेंट पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट बाद लिखेंगे, इट विल बी द कंसिडर एज द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी इक्वेशन को रिवर्स कर दें, प्रोडक्ट को पहले लिख दें और रिएक्टेंट को बाद में लिख दें, तो हमारे पास जो बनेगी इक्वेशन, इट विल बी कंसिडर एज द रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी लेफ्ट टू राइट एंड रिवर्स रिएक्शन विल बी राइट टू लेफ्ट, राइट, ओके। इसका तीसरा पार्ट जो था वो आपको ड्राइव करना था केसी की वैल्यू, ड्राइव केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो हमें पता है प्रोडक्ट को हम ऊपर की तरफ मेंशन करते हैं और रिएक्टेंट को हम नीचे की तरफ लाते हैं, और जो भी मोल रेशियो अगर इसमें है 1 है तो हम रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, और अगर 1 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन शो कर रहे, तो इसको हम एज अ एक्सपोनेंट यहाँ पे शो कर देंगे। तो हमारे पास केसी आएगा मीथेन वाटर एंड डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। अब तीसरा इसका पार्ट था कि हमें यूनिट कैलकुलेट करना था केसी का, तो केसी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका केसी की जो बनती है इक्वेशन वो लिख लेंगे, और इसमें जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है 2 प्रोडक्ट है, तो 2 टाइम्स हम लिख देंगे रिएक्टेंट के का यूनिट और प्रोडक्ट का यूनिट।
इसको हम चेक करेंगे, मोल रेशियो अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होता, ये तो हमारा डायरेक्टली कैंसिल हो गया ना, लेकिन यहाँ पे ये वन टाइम है और यहाँ पे थ्री है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे टू रह जाएगा, तो वन अपॉन टू टाइम जो है हमारा ये बाकी है। अब इसको जो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो हमारा नेगेटिव साइन है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव विल बी कन्वर्टेड टू नेगेटिव, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस टू पर मोल, और डेसीमीटर क्यूब जो है वो सिक्स आएगा। फिर इसको एडजस्ट करने, पॉजिटिव हमेशा पहले लिखा जाता है और नेगेटिव वो हमेशा बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमारा यूनिट आ गया के सी फॉर दिस इक्वेशन, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव जो हमारा है, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये चार इन्होंने इक्वेशन दी हुई हैं, वन बाय वन हम हर इक्वेशन को देख लेते हैं। हमें करना क्या होता है, रिएक्टेंट को हमें पहले प्रेजेंट करना होता है और प्रोडक्ट को हमें बाद में प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्राइव करने जा रहे हैं केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन है वाटर विल बी कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इसको हम इस तरह लिखेंगे, प्रोडक्ट को हम ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे, प्रोडक्ट जो भी एक्स वाई जेड आपने ऊपर प्रेजेंट कर देना, और हर रिएक्टेंट कॉन्टेंट को अलग अलग करना। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट विल बी टू, यानी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इन दोनों के दरमियान जो हम प्लेस करते हैं प्लस का साइन प्लेस करते हैं। अगर कहीं पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है तो इसको अलग अलग ब्रैकेट के अंदर मेंशन करें, अगर कहीं पे मोल रेशियो नज़र आ रहा है तो उसको एक्सपोनेंट के तौर पे प्रेजेंट करें, और प्रोडक्ट ऊपर रखा जाएगा और रिएक्टेंट नीचे रखा जाएगा। तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वाटर। अगर हम सेकेंड की बात करें नंबर टू की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड मिथेनॉल। ये जब मिथेनॉल बनता है तो ये हमारा मिथेनॉल हमारा प्रोडक्ट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्टेंट है। तो केसी की वैल्यू जो आएगी, प्रोडक्ट ऊपर रखा जाएगा और रिएक्टेंट उसको नीचे रखा जाएगा, तो हम कहते हैं सी एच थ्री सी ओ एच यानी मिथेनॉल डिवाइडेड बाई सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चूँकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो टू टाइम है, मोल रेशियो जो है वो वन और टू का बन रहा है, तो यहाँ पे तो हमने वन ही लगाया, और वन होता है तो मेंशन नहीं करते और हम टू यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू टाइम और प्रोडक्ट के अंदर मोल रेशियो वन है, तो इसको हम प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें, थर्ड इक्वेशन जो हमारी है का जो है ऑक्सीक्लोराइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन में कन्वर्ट होता है, तो इसमें भी हमने प्रोडक्ट को पहले लिख देना है और रिएक्टेंट को हमें बाद में लिखना है, ठीक है। रिएक्टेंट जो है हमारा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, और प्रोडक्ट हमारा ऊपर आएगा। इसके तरह सबके मोल रेशियो वन है, तो हमने कोई भी एक किसी को भी मोल रेशियो रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वन है और वन को हम आमतौर पर प्रेजेंट नहीं करते, राइट। तो ये हमारी चार इक्वेशन हो गई। होप स्टूडेंट के आपको ये बात समझ में आ गई और आप इस काबिल होंगे कि इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।